सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। ओवैसी ने पीएम मोदी से किए सवाल, पूछा अरुणाचल से लद्दाख तक गंभीर है हालात, देश से क्यों सच छिपा रही है सरकार। मनीष तिवारी ने एस जयशंकर पर साधा निशाना, बोले जब खतरा चीन से है तो वह पाकिस्तान। पूर्व रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन का भी किया जिक्र। चीन से झड़प पर संसद में गतिरोध, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, बोले सरकार की लाल आंख पर लगा चीनी चश्मा। ईडी ने झारखंड पुलिस को भेजा समन, सोरेन सरकार, बोली जांच एजेंसी कर रही अधिकारों का दुरुपयोग, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कंबल बांटने के दौरान भगदड़, तीन लोगों की मौत, पांच घायल। हिमाचल में पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हटेंगी, सीएम सुक्खू बोले तीन जिलों में ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट लागू करेंगे, जल्द दोहाई दोफाड़ होगी भाजपा की। केरल अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता को दी गर्भपात की अनुमति का अनुच्छेद 21 के तहत महिलाओं को प्रजनन का अधिकार। साकेत गोखले का दावा, एनपीपी ने 2018 के चुनावी खर्च को नहीं किया दर्ज, कानूनी कार्रवाई की मांग की। मालेगांव बम धमाका मामले में दबाए गए थे दस्तावेज, स्पेशल कोर्ट ने एनआईए की जमकर खिंचाई की। छपरा जहरीली शराब कांड में प्रशासन की पहली कार्रवाई, एसडीपीओ का ट्रांसफर, एसएचओ और कांस्टेबल को किया सस्पेंड। स्वामी स्वरूप दास जी की जन्म शताब्दी कार्यक्रम में पीएम मोदी बोली, स्वामी जी से मेरा पुत्र पिता का स्नेह था, उन्होंने संत परंपरा को परिभाषित किया। एमबी में महाकाल लोक से 5G लॉन्च, मंदिर कैंपस में रोज 1 GB डेटा फ्री, शिवराज बोले जनवरी से इंदौर में सुविधा। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 30 की मौत, 30 अस्पताल में भर्ती, थाने से 500 मीटर की दूरी पर सबसे ज्यादा मौत, ट्रेटा पैक में बिकी शराब। राहुल गांधी ने लिया रघुराम राजन का इंटरव्यू, पूछा देश के 5 पूंजीपति लगातार अमीर हो रहे हैं, जवाब ऐसा नहीं होना चाहिए। पप्पू को अपने घर में ढूंढो वही मिलेगा, महुआ के सवाल पर सीतारमण बोली हमें माचिस मिली तो उजाला दिया, आपने दंगे किए। मेरठ में राज्यपाल के पहुंचने से पहले काले झंडे दिखाकर हंगामा, छात्रों को जीप में डालकर ले गई पुलिस, दीक्षांत समारोह के लिए पहुंची आनंदीबेन। आगरा में धमाके के साथ आग का गोला बनी कार, आवाज सुन घरों से बाहर निकले लोग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। रील बनाने में पति पत्नी समेत 3 ट्रेन से कटे, गाजियाबाद में रात 9 बजे पटरी पर वीडियो शूट कर रहे थे, ड्राइवर हॉर्न बजाता रह गया। शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी, लोकसभा की तैयारियों में जुटी सपा, शिवपाल कर सकते हैं बूथ का नए सिरे से गठन।
भौंक भौंक कर बच्चे की मौत के बाद कुत्ते को भी सजाए मौत। गांव के लोगों ने घेरकर कुत्ते को गोली से उड़ाए दो और बच्चों को काटा था। अमित पालनी की झांसे विधायक की शिकायत, कहा रवि शर्मा के क्रेशर प्रदूषण मानकों का पालन नहीं, बिना रॉयल्टी के गिट्टी सप्लाई। प्रयागराज में वासु अपहरण कांड का खुलासा, ऑनलाइन जुए में 37 लाख आने के बाद रची दोस्त के अपहरण की साजिश। रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी के हादसे में मौत, पैदल रोड क्रॉस करते वक्त बाइक ने मारी टक्कर, उछलकर दूर गिरे। बदायूं में जमीनी रंजस में पति पत्नी की हत्या, लोहे की रॉड से पीट पीट कर मारा गया, चाचा और उसका बेटा गिरफ्तार। कन्नौज में पूर्व प्रधान की पीट पीट कर हत्या, चुनावी रंजिस में वर्तमान प्रधान पति ने किया हमला, भाइयों के साथ मारपीट की। घर में आग लगने से मासूम की जिंदा जलकर मौत, आगरा में बिजली न आने पर जलाई थी मोमबत्ती, पिता पुत्र गंभीर रूप से झुलसे। केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले चुनाव के लिए हम तैयार पर सपा की नीयत खराब, इसलिए लगा रहे अड़ंगा। औरैया में टेल में पानी नहीं पहुंचने से किसान मायूस, शिकायत के बाद भी सिंचाई विभाग मौन, प्रशासन को समस्या के समाधान की मांग। आजमगढ़ में मीट का पैसा मांगने पर ढाबे पर लगाई आग, आग से दुकान जलकर हुई खाक, आरोपी उठा ले गए बर्तन, जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में प्राइवेट बस चालक की बड़ी लापरवाही, फोन पर बात करते समय एक हाथ से दौड़ाई बस, यात्रियों की जोखिम में डाली जान। हरदोई में युवक ने बाइक को लगाई आग, फाइनेंस की रकम अदा करने पर देरी होने पर फाइनेंस कर रहा था परेशान। ऑन ड्यूटी महिला कांस्टेबल के रील बनाने का वीडियो वायरल, राम जन्मभूमि परिसर में बनाई रील्स, एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। महाराजगंज में सिपाही का शव फंदे से लटकता मिला, रात में ड्यूटी खत्म कर कमरे पर आया था, सुबह साथ ही सिपाही लौटा तो पता चला। अमरोहा में 3 दरोगा और 2 सिपाही सस्पेंड, व्यापारी से हुई लूट के खुलासे में बरत रहे थे लापरवाही, एसपी ने जांच के लिए गठित की नई टीम। फिरोजाबाद में कल होगा गायत्री महायज्ञ और विराट संत सम्मेलन, विभिन्न राज्यों के धर्माचार्यों का होगा जमाड़ा, प्रवचन व अध्यात्म पर करेंगे चर्चा। मदरसों में भी होगी खेलकूद प्रतियोगिता, हापुड़ में तैयारियां शुरू, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होगा खेलकूद पखवाड़ा। ज्वेलर शॉप में चोरी करने वाला पति पत्नी का गिरोह, ग्वालियर से आकर झांसी में करते थे वारदात, 4 महिला समेत 7 गिरफ्तार। बीए सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं मिले पर कोर्ट पहुंची छात्रा, बोली रिजल्ट ना देने पर एलएलएम में नहीं हो रहा एडमिशन। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर ने मासूम सहित मां को रौंदा, बाइक सवार पिता हेलमेट की वजह से बचा, ओवरटेक के चक्कर में हुआ हादसा। भदोही में तोड़फोड़ करने पर 8 गिरफ्तार, परिचालक से विवाद के बाद किया था बवाल, टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में हुई पहचान।
चंडीगढ़ में होमगार्ड ने लोडर रिक्शा चालक के सिर में मारा डंडा। डंडा लगने से रिक्शा चालक की आई सिर में गंभीर चोट। औरैया में सर्दी से लोगों को बचाने के लिए जनपद में जिला प्रशासन ने जगह जगह जलवाए अलाव। जिला प्रशासन के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी रहे मौजूद। राम जन्मभूमि सुरक्षा ड्यूटी में तैनात चार महिला सिपाही लाइन हाजिर। महिला सिपाहियों के द्वारा बनाया गया था रील। मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने एशिया पैसिफिक के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। अर्जेंटीना से खाद्य उत्पादों की कृषि आईटी इंडस्ट्री का मिलेगा साथ। हमीरपुर में शादी समारोह में सिलेंडर लीक होने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में दो से अधिक दर्जन लोग बुरी तरह से झुलसे। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस हिरासत में पूर्व दायित्वदार विनोद आर्य चालक ने दर्ज कराया कुकर्म के प्रयास का केस। पर्दे पर सिंगी का जादू नहीं चला तो करने लगा चरस तस्करी। गायकी की तरह नशा तस्करी की रास नहीं आए और छिंदर को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। उत्तराखंड के हरिद्वार में दुष्कर्म के आरोपित बेटियों को बचाने के लिए पिता ने रचे साजिश खुद बुरे फंसे। उत्तराखंड के रुड़की में बेटियों को पिता से मिलवाने लाई मां। मार्मिक पत्र देकर भेजा कोतवाली खुद हुई लापता। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक। उत्तराखंड के मंत्री सौरभ बहुगुणा का बड़ा बयान। बोले उत्तराखंड के लोग अपनी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसे आगे कैसे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में मोबाइल में देखते थे बच्चों से जुड़े घिनौने वीडियो। ट्रेस करने के बाद पुलिस ने ट्रेसर पकड़ा। जेल भेजने की तैयारी। ग्यारहवीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ। सीएम धामी ने की घोषणा। दोबारा शुरू होगी खेल कोटा भर्ती। उत्तराखंड में धरने पर बैठकर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे गेस्ट टीचर। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ में आक्रोश। उत्तराखंड में जन्म मृत्यु पंजीकरण में लापरवाही। अफसरों को एसीआर में होगी दर्ज। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को दिया निर्देश। उत्तराखंड में पर्यटन मानचित्र पर लगाएंगे बागेश्वर का उत्तरायणी मेला। सीएम ने कहा प्रवासियों को मेले से जोड़ेंगे। यूके ट्रिपल एससी 8 भर्तियों पर 2 से 3 दिन में हो सकता है बड़ा फैसला। समिति ने आयोग को सौंपी रिपोर्ट। उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स में हुई भर्तियों में अनियमितताओं का मामला। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड के रुड़की में स्कूल में कक्षा 3 की छात्र को बुरी तरह से पीटा। कान और नाक से लगातार बहता रहा खून। इलाज के दौरान मौत। हाईकोर्ट में सरकार के आश्वासन पर पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने वापसी ली याचिका। शैतान से की थी योगी सरकार की तुलना। यूएन के महिला आयोग से निकाला गया ईरान। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शनों को दबाने पर अमेरिका ने लिया एक्शन। भारत में नहीं किया समर्थन।
पाकिस्तान में पीटीआई शासित राज्यों में विधानसभा भंग करेंगे इमरान खान, नेशनल असेंबली से हटने की धमकी भी दी। ऑस्ट्रेलिया में रहने का किराया 50% बढ़ा, महंगाई के बावजूद यहां रहने यूरोप सस्ता, लोग 12 महीने के वीजा पर आ रहे हैं। दुनिया में हो रही प्लास्टिक की बारिश छा रहा है माइक्रो प्लास्टिक का कोहरा, छतों पर भारी संख्या में कण गिर रहे हैं। पेरू में पूर्व राष्ट्रपति कैस्ट्रिलो को जेल के बाद देश में इमरजेंसी की घोषणा, पूरे देश में हिंसा। पाकिस्तान ने यूएन में उठाए कश्मीर मसला, विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया जवाब, बोले लादेन की खातिरदारी करने वाले उपदेश न दें। एक और केस में फंसे इमरान खान, चुनावी हलफनामे में बेटी होने की बात छिपाई, 5 दिन बाद हाईकोर्ट में सुनवाई। दुनिया भर की जेलों में बंद 533 पत्रकार, सबसे ज्यादा 110 चीन में, इमरान में महिला पत्रकारों की हो सकती है मौत की सजा। पोप फ्रांसिस की अपील, दुनिया से कहा इस बार क्रिसमस पर कम खर्च करें, बचा हुआ पैसा यूक्रेन की मदद के लिए डोनेट करें। न्यूजीलैंड में स्मोकिंग बैन करने वाला कानून पास, 2008 के बाद जन्मे बच्चे कभी नहीं खरीद पाएंगे तंबाकू सिगरेट, 26,000 करोड़ की होगी बचत। गोल्ड 28 महीने में पहली बार 54,000 पार, अगले साल 64,000 तक जा सकता है सोना। मध्य प्रदेश में 5G लॉन्च, मंदिर कैंपस में रोज 1 GB डेटा फ्री, शिवराज बोले जनवरी से इंदौर में सुविधा। रेल टिकट पर सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगी छूट, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले रेलवे की हालत फिलहाल अच्छी नहीं। केंद्रीय कर्मचारियों के अरमानों पर फिरा पानी, सरकार ने 18 महीने का बकाया डीए एरियर देने से किया इनकार। महीने के निचले स्तर पर थोक महंगाई, नवंबर में 5.85% पर रही, सब्जियां और खाने पीने का सामान हुआ सस्ता। स्पाइसजेट ने रची झूठे ऑडिट की कहानी, ICAO ने कहा हमने किसी भी एयरलाइन का ऑडिट नहीं किया। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का बड़ा बयान, बोले कोरोना काल में अमीर क्लास की आय बढ़ गई। केबिन क्रू की कमी से एयर इंडिया की घरेलू उड़ानों में हो रही है देरी, अधिकारियों का दावा। IRCTC में 5% तक हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, कोटक बैंक FD पर देगा 7% ब्याज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार महंगाई को और कम करेगी, महुआ मोइत्रा के बयान पर भी किया पलटवार। भारत बांग्लादेश पहला टेस्ट, टीम इंडिया ने पहली पारी में 404 रन बनाए, बांग्लादेश को लगा चौथा झटका। मोहम्मद रिजवान ने खास लम्हे को किया याद, बोली भारत के खिलाफ मैच के बाद दुकानदार मुझसे नहीं ले रहे थे पैसे।
युवराज सिंह की मेहनत रंग लाई, रणजी डेब्यू में अर्जुन तेंदुलकर ने शतक, जड़ गुरु को दिया खास तोहफा। दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन को आईसीसी की वनडे रैंकिंग में 117 स्थान का फायदा, कोहली 8वें नंबर पर। शिवम मावी ने बंगाल पर यूपी को दिलाई बढ़त, राजस्थान के खिलाफ गोवा के सुयस प्रभुदेसाई का दोहरा शतक। फ्रांस से हार पर हिंसक हुए मोरक्को के फैंस, पेरिस की सड़कों पर फ्रांसीसी स्पोर्ट्स और पुलिस से भिड़े, गया गाड़ियां भी फूकी। पाक दौरे से पहले केन विलियमसन ने छोड़ी कप्तानी, टीम सऊदी न्यूजीलैंड टेस्ट टीम के नए कप्तान। अर्जुन तेंदुलकर ने किया पिता सचिन जैसा कमाल, रणजी डेब्यू में शतक जमाया, सचिन ने 34 साल पहले किया था कारनामा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 रन से हारी इंडियन विमेंस टीम, एलिस पेरिस का अर्धशतक, 5 मैचों की सीरीज में कंगारू। लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा फ्रांस, सेमीफाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराया। हाथों में हाथ थामे दिखे विक्की कैटरीना, गोविंदा नाम मेरा स्पेशल स्क्रीनिंग में हुए स्पॉट, पेपराजी को दिए पोच। गोविंदा नाम मेरा की स्क्रीनिंग में पहुंचे सितारे, पापा डेविड धवन के साथ नजर आए वरुण धवन, करण जौहर ने भी शिरकत की। एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या पर बात करने से हिचकिचाए विवेक ओबराय, बोले मेरी लाइफ का वो दौर खत्म हो चुका है। विजय सेतुपति ने किया जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, फोटो देख फैंस हुए हैरान, बोले कितने यंग लग रहे हैं आप। नेहा कक्कड़ से हाथ जोड़ते हुए मिले रामचरण, सोशल मीडिया यूजर्स बोले बॉलीवुड वाले तो हाथ जोड़ने अपनी इज्जत समझते हैं, बेइज्जती समझते हैं। तैमूर को कंधे पर बिठाकर निकले सैफ अली खान, पेपराजी के सामने करीना पर उमड़ा प्यार, ट्रोलर्स बोले इन सब का दिखावा कर लो। ट्रेडिशनल लुक में छाई शहनाज गिल, पंजाबी सूट पहने एमसी स्क्वायर के साथ हुई स्पॉट। कियारा के साथ रोमांस करते दिखेंगे एक्टर मोहित रैना, फिल्म लम्ब के लिए फाइनल हुआ नाम, डायरेक्ट ओटीटी पर होगा रिलीज। कल आएगी दुनिया की सबसे महंगी फिल्म अवतार 2, मां ने सपने में देखी 12 फीट ऊंची नीले रंग की लड़की। कफ्तान पहनकर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई सोनम कपूर, बहन रिया कपूर से लेकर शायद कपूर तक स्टाइलिश अंदाज में दिखे सेलेब्स। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।